सो कैसे हैं आप लोग। आ गए हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ। उससे पहले इंट्रोडक्शन जरूरी है। तो मेरा नाम है कीर्ति और मेरा नाम है सागर एंड हम दोनों जो है रियल ब्रदर एंड सिस्टर है। तो आज हम कौन सी वीडियो पर रिएक्शन लेकर आए हैं? तो आज हम लेकर आए हैं 6 मोस्ट डेंजरस मिसाइल ऑफ पाकिस्तान, जो हमने ली है टॉप एक्स टीवी के चैनल से। तो आप टॉप एक्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही हमारे चैनल कपल वाले रिएक्शन को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज हम जो है 6 मोस्ट डेंजरस मिसाइल के बारे में देखेंगे और देखते हैं कौन कौन सी 6 मोस्ट डेंजरस मिसाइल है पाकिस्तान की। तो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए हमेशा से ही मुश्किलात का सामना रहा है, क्योंकि एक तरफ से इसे इंडिया जैसी एटमी ताकत से हमेशा अटैक का खतरा रहता है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान से तालिबान की दहशतगर्दी का खौफ मंडलाता रहता है। वहीं ईरान की तरफ से भी मुल्क दुश्मन अनासर पाकिस्तान पर चढ़ाई करने की कोशिश करते रहते हैं। हर तरफ से खतरों में घिरे हुए मुल्क पाकिस्तान को फिर अपना दिफा मजबूत से मजबूत तरीन करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज आपको पाकिस्तान के पास मौजूद ऐसे खतरनाक और जदीद मिसाइल्स के बारे में बताएंगे, जिनकी वजह से इंडिया जैसा खतरनाक दुश्मन और अमेरिका जैसी सुपर पावर भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देखती। मगर इन पाकिस्तानी मिसाइल्स के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 6, नसर। दोस्तों, पाकिस्तान के ज्यादातर मिसाइल्स में लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है और इस लिक्विड फ्यूल की वजह से इन मिसाइल्स को चलाने के लिए लगभग 5 से 6 घंटे का टाइम लग जाता है। मगर नसर नामी इस मिसाइल में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इस मिसाइल को चलाने के लिए आधे घंटे से भी कम टाइम लगता है। इस मिसाइल की रेंज 60 किलोमीटर तक है और ये मिसाइल एक न्यूक्लियर मिसाइल है। इसके अलावा ये मिसाइल मोबाइल लॉन्च पैड से चलाया जाता है, जिसकी वजह से इसे मुल्क के किसी भी कोने से चलाया जा सकता है। नंबर 5, अबाबील। दोस्तों, नसर के बाद अबाबील मिसाइल पाकिस्तान के दिफा को और मजबूत बना देता है और ये पाकिस्तान का पहला ऐसा मिसाइल है जिसमें MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट रेंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। और अबाबील नामी इस मिसाइल की खसूसियत ये है कि ये मिसाइल 5 एटम बम इकट्ठे ले जा सकता है। इस हैरान कुन मिसाइल की रेंज 2200 किलोमीटर तक है और ये अपने टारगेट को परफेक्टली हिट करने की सलाहियत रखता है। नंबर 4, गौरी। दोस्तों, पाकिस्तान में मिसाइल बनाने के इस वक्त 2 प्रोग्राम चल रहे हैं, जिनमें से एक मिसाइल डॉक्टर अब्दुल कदीर की टीम के मतहत बनाया जा रहा है और इस टीम में माहिर तरीन इंजीनियर्स और साइंसदानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस मिसाइल का नाम गौरी है, जिसमें लिक्विड फ्यूल पर चलने वाली मोटर्स का इस्तेमाल किया गया है और इस मिसाइल में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है। इस मिसाइल के कम्प्लीट होने के बाद पाकिस्तान के पास भी ऐसा मिसाइल आ जाएगा जो कि ICBM यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का हामिल होगा, यानी कि इस मिसाइल की इतनी रेंज होगी कि इसे एक बर्रे आजम से दूसरे बर्रे आजम तक मार किया जा सकेगा। इस मिसाइल के बनने के बाद पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बर्तानिया, हत्ता के अमेरिका तक भी हमला करने की सलाहियत का हामिल हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने गौरी 1 मिसाइल तैयार किया था और इस मिसाइल को 6 अप्रैल 1998 में टेस्ट किया गया था और गौरी 1 मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर की मदद से कहीं से भी फायर किया जा सकता है। गौरी 1 मिसाइल 1000 किलोग्राम के वारहेड के साथ 1500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इसके बाद अप्रैल 1999 में गौरी 2 मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया और इसे भी मोबाइल लॉन्चर की मदद से मुल्क के किसी भी कोने से फायर किया जा सकता है। गौरी 2 मिसाइल 1800 किलोग्राम के वारहेड के साथ 2000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। इसके बाद गौरी 3 बनना शुरू हुआ और इसका कामयाब टेस्ट 29 सितंबर 1999 में किया गया, मगर ये टेस्ट सिर्फ इसके इंजन का टेस्ट था और इसकी रेंज का टेस्ट जून 2004 में किया जाना था। और गौरी 3 नामी इस मिसाइल को भी मोबाइल लॉन्चर से फायर किया जा सकता है और ये मिसाइल 2200 किलोग्राम वारहेड्स के साथ 3000 से 5000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। और 1998 से तैयार किया जाने वाला ये मिसाइल आज तक टेस्ट नहीं किया जा सका और इसी मिसाइल की वजह से पाकिस्तान को मल्टी स्टेज टेक्नोलॉजी पर अबूर हासिल हो चुका है।
नंबर 3 टीपू। दोस्तों अब मैं जिस मिसाइल के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, इस मिसाइल की खसूसियात को सुनकर पाकिस्तान का बड़े से बड़ा दुश्मन भी कांप जाता है। टीपू मिसाइल को भी मोबाइल लॉन्चर की मदद से पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से फायर किया जा सकता है और इस मिसाइल में इतनी सलाहियत मौजूद है कि ये 4500 किलोग्राम का एटम बम उठाकर 7000 से 8000 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बना सकता है। और दोस्तों अगर इस मिसाइल पर वारहेड के वजन को कम कर दिया जाए तो आपका ये टीपू मिसाइल 10000 किलोमीटर तक भी अपने निशाने को मार्क कर सकता है। और आपको एक मजे की बात बताता चलूं कि 10000 किलोमीटर का मतलब है कि इस दुनिया पर मौजूद जितना भी खुश्की का हिस्सा है उधर किसी भी जगह पर मार्क की जा सकती है। और यही वजह है कि टीपू मिसाइल की वजह से पाकिस्तान नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर तरीन मुल्क बन चुका है। नंबर 2 शाहीन। जब डॉक्टर अब्दुल कदीर को हटाया गया तो इनकी जगह पर डॉक्टर समर मुबारक ने मिसाइल प्रोग्राम्स को संभाल लिया। इन्हीं प्रोग्राम्स में से एक प्रोग्राम शाहीन मिसाइल का भी था और इस शाहीन मिसाइल पर काम जारी है जिसमें सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है। और जिन मिसाइल्स में सॉलिड फ्यूल वाली मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है तो उन मिसाइल्स का साइज भी काफी बड़ा होता है। दोस्तों डॉक्टर समर मुबारक शाहीन प्रोग्राम के तहत शाहीन 1 मिसाइल तैयार कर चुके हैं और ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है। इसके बाद शाहीन 2 भी तैयार किया गया जिसकी रेंज 2200 किलोमीटर से लेकर 2400 किलोमीटर तक मार करने की है। इसके बाद 2002 में शाहीन 3 भी तैयार कर लिया गया जिसमें मल्टी स्टेज सॉलिड फ्यूल मोटर का इस्तेमाल किया गया और शाहीन 3 मिसाइल 2200 किलोग्राम वारहेड के साथ 4000 किलोमीटर से लेकर 4500 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। और दोस्तों इधर आपको एक बात बताता चलूं कि अक्सर मीडिया पर लोग ये बात करते हुए नजर आते हैं कि शाहीन 3 की रेंज 2700 किलोमीटर तक है, लेकिन पाकिस्तान के एक लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुलजाक भुट्टी का कहना है कि शाहीन 3 की रेंज 4500 किलोमीटर तक है। और ये मिसाइल ऐसा है कि इसमें मल्टी स्टेज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसे ICBM यानी के इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में तब्दील किया जा सकता है। इसके अलावा शाहीन मिसाइल भी गौरी मिसाइल्स की तरह एटमी वॉरहेड्स होते हैं और इन्हें भी मोबाइल लॉन्चर्स के जरिए कहीं से भी फायर किया जा सकता है। कुछ माहिरीन का तो ये भी कहना है कि शाहीन 3 इंडिया के अग्नि 5 मिसाइल का जवाब है। नंबर 1 तैमूर। दोस्तों पाकिस्तान अब एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसकी तकमील के बाद अमेरिका जैसी सुपर पावर भी अपनी गंदी नजर पाकिस्तान पर से हमेशा के लिए हटा लेगा। दोस्तों ICBM टेक्नोलॉजी का हामिल यह मिसाइल 2017 में बनाना शुरू कर दिया गया था और इस मिसाइल का नाम तारीखी इस्लामी फातेह अमीर तैमूर के नाम पर रखा गया और 2018 में तैमूर मिसाइल पर काम तेज कर दिया गया और इस मिसाइल को 2027 तक टेस्ट कर लिया जाएगा और 2028 तक इसे बकायदा सर्विस में शामिल भी कर लिया जाएगा। ये मिसाइल भी पाकिस्तान के अबाबील मिसाइल जैसी खसूसियात रखता होगा और इस मिसाइल में भी MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और ये मिसाइल भी इंडिया के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को धोखा देने के लिए तैयार किया जा रहा है। और तैमूर मिसाइल में ये सलाहियत मौजूद है कि ये न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जा सकता है। इसके अलावा तैमूर मिसाइल में जदीद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है जिनकी मदद से इस मिसाइल को जो भी टारगेट दिया जाएगा ये उसको हर हाल में हिट करके ही रहेगा। इस मिसाइल के बारे में एक और खास बात ये भी है कि इसे जमीन के अंदर से लॉन्च किया जाएगा जिसे सिलोस भी कहा जाता है और इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 10000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इसके अलावा ये 500 से लेकर 800 टन तक वॉरहेड ले जाने की सलाहियत भी रखता होगा। इसके अलावा ये मिसाइल मार्क 20 की रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ बढ़ेगा। इस मिसाइल के कंप्लीट हो जाने के बाद पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर हद तक ताकतवर तरीन मुल्क हो जाएगा। तो दोस्तों इन तमाम मिसाइल्स के बारे में जानने के साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान अब तक ICBM टेक्नोलॉजी का हामिल हो चुका है मगर पाकिस्तान इसका ऑफिशियली ऐलान नहीं कर सकता क्योंकि अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसा किया जाता है तो अमेरिका और ऐसी दूसरी पावर्स की तरफ से पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा दी जाएंगी और इस मुल्क की मआशी हालत इस वक्त इतनी मजबूत नहीं है कि ये ऐसी पाबंदियों का सामना कर सके जिस वजह से पाकिस्तान ICBM टेक्नोलॉजी का सरेआम ऐलान नहीं करता। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तान के पास मौजूद खतरनाक तरीन मिसाइल्स में से कुछ मिसाइल। तो इन मिसाइल्स पे बनाई गई हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपएक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बेसिकली 6 मिसाइल्स जिसमें NSR, तैमूर
और टीपू, गौरी और बाकी मैं दो तीन भूल गई. तो ये सारी मिसाइल्स है. बेसिकली मिसाइल्स वही देश को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है. तो ये जो है, अब पाकिस्तान भी काफ़ी एडवांस हो गया है, तो उसने अपनी टेक्नोलॉजी को काफ़ी अच्छा करके जो है इन 6 मिसाइल्स को बनाया है. और अभी एक जो तैमूर थी वो अभी यूज़ में नहीं आ रही, अभी उसका जो है एक्सपेरिमेंटेशन अभी बाकी है. तो बेसिकली दिस इज़ व्हाट इट ऑल अबाउट. तो यही था. और यस, सो दैट इज़ व्हाट इट ऑल अबाउट. तो होप करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो टॉपिक्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही हमारे चैनल कपल वाले रिएक्शन को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.